नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शंस का दौर है, वादों का भी जोर है। पहले के वादे और अब के दावे, कौन किस पर खरा उतरा ये जनता करेगी, इसका डिसाइड करेगी। फिलहाल कल का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र यानी कि संकल्प, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुथम में आयोजन किया था कार्यक्रम के माध्यम से, जो मैनिफेस्टो था वो जनता तक लाया, कहीं पर राहत भरी खबर भी है और कई लोगों को मायूसी हाथ लगी है। बात बताना चाहेंगे, जो वरिष्ठ महिला होगी परिवार की, उससे 18,000 रुपया पर एनम यानी पर साल का मिलेगा। पर हमारे मीडिया कुछ सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं 18,000 रुपया पर मंथ है। तो जनाब पूरी तरह से पढ़ के खबर दिया करो, लोगों को समझ में मत डाला करो, लोग खुशी से फूले नहीं समाते। शायद महिलाओं ने कल से अकाउंट भी खोल दिए होंगे कि जो घर की सीनियर होंगी, खोल भी दिए होंगे, कल बैंक वालों की मौज होगी कि हाँ जी काफ़ी खाते खुले हैं। तो 18,000 रुपया सालाना वरिष्ठ महिला को, घर की बुजुर्ग महिला को मिलेगा, ये अच्छी स्कीम है। वहीं पर अगर बात करें दिव्यांगों की, अगर बात करें ओल्ड एज की, विडो पेंशन की, 1,000 से 3,000 रुपये तक की बात की जा रही है। वो पहले भी हमारे विकलांग दिव्यांग जो विडो थे, ऑलरेडी जो बेचारे धक्के खा रहे थे लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो रही थी, और जिनकी पेंशन बंद हो गई है, वो आज चलो हज़ार ही सही, कम से कम दवाई का खर्चा तो निकलता, तो उनका भी ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कई ऐसे रोज़गार के स्रोत खुले हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनकी साथ ही साथ जो उन्हें शिक्षा के लिए अगर बात करें तो 2 वर्ष की जो UPSC और साथ JKPSC के लिए 2 वर्षों के लिए उन्हें 10,000 रुपये की कोचिंग फ़ी दी जा रही है। 3,000 रुपया उन्हें काले छात्रों को जो है भत्ता, यातायात भत्ता दिया जा रहा है, कि बात कही है, दिया नहीं जा रहा, बात कही है। अब ये कितनी पूरी होती, हमारा काम है आप तक बात को लाना, जो संकल्प कल से हुआ। काफ़ी सारे यहाँ पर इशू थे, पर वो हम ढूंढ रहे थे कल के, ना ही डेली वेजर्स का है, ना ही होमगार्ड का है, ना जो बाकी के जम्मू के प्रचलित मुद्दे हैं, और खास करके स्टेटहुड का भी नहीं है। क्योंकि आज अमित शाह जी ने रैली को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमने कहा है कि उचित समय पर दे देंगे। उचित समय कब होगा, उन्होंने कहा चुनाव के बाद। अब ये उचित समय हमें नहीं पता कब आएगा, पर हाँ उन्होंने कहा कि NCA और कांग्रेस को वोट ना कीजिए, उनकी सरकार मत आने दीजिए, भाजपा को मौका दीजिए फिर से 5 साल के लिए। चलिए, इस समय हमारे साथ कमला शर्मा जी हैं, काफ़ी इंतज़ार हो गया, क्योंकि इनमें इन्हें उम्मीद थी कि अगर कोई करेगा तो भाजपा ही इनका उद्धार करने वाली है होमगार्ड्स का। इनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, लंबी लड़ाई लड़ रही है कमला शर्मा जी। हो सा कुछ सालों में बेचारी रिटायरमेंट भी हो जाए तो क्या 2700 रुपये लेकर जाएगी? शर्म की बात है और अफसोस की बात भी है कि सुनवाई कहीं नहीं है, ना ही डेली वेजरों को कुछ मिला है। जो प्रचलित मुद्दे थे जिसकी वजह से भाजपा अपना सरकार यहाँ पर बनाती, हो सकता आपका ही CM होता, क्योंकि अगर डेली वेजर डेली वेजर का इस मैनोफेस्टो में होता, अगर होमगार्ड्स का होता, अगर अन्य आशा वर्कर्स के लिए कुछ होता, अगर एज रिलैक्सेशन की बात भी की जाती, सबसे बड़ी बात है हमारे युवा जो आज कांस्टेबल की पोस्टें निकली है, एज रिलैक्सेशन नहीं है, गलती सरकार की जिन्होंने 10 साल से पोस्टें नहीं निकाली, और निकाली है तो जो बेचारे ओवर एज हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? और आज लास्ट डेट है उन लोगों, उन बच्चों का, उन युवाओं का क्या है? यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हुआ है। तो जो भी सत्ता में होगा, सवाल तो हमारा उन्हीं से होगा, अब विपक्ष से तो करेंगे नहीं। हाँ, अगर बदलाव होता है, कोई विपक्षी दल अगर सत्ता में आता तो उनसे भी ठोकताल के सवाल करेंगे। चलिए, समय कमला जी हैं, कमला जी आज मायूस दिख रही हैं आप। हम रहे हैं, हम मायूसी रहे हैं जब के आए हैं, जब के जमेलाल तब का यही हाल है, तभी तो बोल रहे हैं। रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपको सबसे पहले सल्यूट करती हूँ कि एक बेस्ट रिपोर्टर में जो जम्मू के अंदर एक महिला शक्ति है वो हमारी रश्मि शर्मा मैम है। जे मेरे घर में बच्चे भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, तो मैं देखो अभी आपको श्रीनगर से भी फोन आके कह रही है रश्मि ने ना ये बहुत कम लोगों में होता है कि किसी गरीब का मुद्दा उठाना, एक जहाँ पे आई अथॉरिटी के सामने, ये भी एक जिगर की। हम आपको कोई पैसा नहीं देते, आप कभी हमारे से चाय का कप नहीं पीते, ना कुछ। मैं तभी मीडिया को सल्यूट करती हूँ, उन भाइयों को जो खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका मुद्दा हाईलाइट करते हैं, आपने हमसे पूछ के नहीं करते हो, ना हम आपको कभी ऐसे करते हो, लेकिन आप दिल से हमारे साथ जुड़े हो, दिल से करते हो। मैं ऐसी महिला शक्ति को सल्यूट करती हूँ, और हमारी ऐसे ही महिला बहुत सी पार्टियों में है, इलेक्शनें भी कंसर्न कर रही है। क्या उन महिलाओं ने कभी इन महिलाओं के बारे में सोचा, कभी बोला? तो मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले इंसान, क्या इधर तो जानवरों से भी बदतर हाल है, तो उनकी आवाज़ जो एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो जहां आपसे भी वायदा किया गया था,
वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत से मैनोफेस्टम निकले हैं, बहुत सा कुछ बन रहा है ऐसा, तो खुशी तब होती है कि जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। 2014 का वादा आपने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, नेशनल मीडिया ने देखा, सभी ने देखा, 10 साल लग गए उसको पूरा होते हुए। तो जो अभी करेंगे 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, यानी कि 20 तो तब तक हम अगली जन्म में चले गए इस दुनिया को छोड़, हम भी यहाँ मरना हो ना कवर कर पाए, नहीं इस दुनिया से चले गए होंगे, हमें ना ही उम्मीद है। झूठे वादे खुद ही बोलते हैं कि इलेक्शनों में जुमले होते हैं, ये भी तो आपने सुना ना मीडिया में ट्रेंड में कि झूठे जुमले होते हैं। तो ये लोगों को जागरूक होना चाहिए, सबसे पहले जागरूक। अब देखो बहुत से मुद्दों की बात की है, चलो सरकार ने किए भी हैं, मोदी जी को नहीं बोलते, बहुत से काम किए हैं उन्होंने, बहुत से किए हैं, लेकिन जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखो कि आज युवा किस कागार पे पहुंचा हुआ है, इतना डेली वेजर है, इतना कुछ है। आप बोलते पहली सरकारों ने, अगर पहली सरकारों ने नहीं किया तो आपने भी 10 साल में कुछ नहीं किया हाल इनके लिए। मैं आप वादा की बात करी, वादा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे किया, तो बहुत मैं बोल रही हूँ ना कि वादा 10 साल हो गया था, बताइए ना एक बार फिर से। 2014 में वादा किया था कि जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी तो जो भी होमगार्ड वाले हैं, एसपीओ है, डेली वेजर है, सभी है, एसपीओ को, होमगार्ड को और एसपीओ को बाकायदा वेपन से और इनकी सैलरी को डबल से ट्रबल और इनको कांस्टेबल का दर्जा दिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा वैष्णो देवी के सामने जी रखते हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी को जो बात होती है रश्मि, तो पत्थर की लकीर होती है, उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास था, इससे ऊपर और कौन सा हो सकता। मैं बोलती पहले जब राजा महाराजा होते थे ना, उनकी सरकारें छोटी छोटे स्टेटे होती थी, मैं बोलती इनसे तो वही अच्छे थे कि राजा के पास जब प्रजा जाती थी ना, वो सुनते थे उनकी प्रजा से, उनके हक और हकूक उनको मिलते थे ना। लेकिन आज हम बोलते हैं कि राजाओं से भी झूठे वादे मिलते हैं हमें, राजाओं से भी तो झूठे वादे ही मिल रहे हैं। ठीक है हम मोदी जी को भी दोष नहीं, लेकिन जो हमारे 25 सीटर से गए हुए थे, 25 लोग जीते हुए थे और हमारे एमपी भी जीते हुए थे, उन 25 लोगों ने कभी होमगार्ड का मसला उठाया जाके दिल्ली में? ठीक है हमारे माननीय अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी रोज बोलते हैं हमारे लिए, अच्छा हमें भी अच्छा लगता है कि बोलते हैं बेचारे, जहाँ तक इशू उठाते हैं, जहाँ जैसे आप उठाते हो, वो भी आज सुबह भी उनका लाइव आ रहा था कि हमने सभी के मुद्दे हमारे माननीय गृह मंत्री जी अनाउंस करके गए हैं कि इनका पहली कैबिनेट में ही हो जाएगा, फर्स्ट कैबिनेट में ही हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मुबारक देती हूँ कि रविंदर रैना जी सीएम आए तो और पहली कैबिनेट में होने चाहिए, लेकिन पहली कैबिनेट में जो 10 साल का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तब भी कैबिनेटें हुई, चाहे 4 साल प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी हुई है, 3 साल सरकार रही चाहे 4 साल रही, उन्होंने क्यों नहीं किए। मैं एक सरकार को दोष नहीं देती, सभी सरकारें थी, चलो उस टाइम हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट थी नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन 2015 में इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर है, उनका देश तो सभी जगह पे लागू होता। मैं ऑल इंडिया लेवल पे एक, मैं तो चलो स्टेट की मैं अध्यक्ष हूं और ऑल इंडिया लेवल पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं पूरे इंडिया की, लेकिन हर स्टेट में मैं जाके भी देखा, सभी को हर स्टेट सुनती भी है चाहे थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करती है तो, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो किसी सरकार ने सुना, ना तो हमारे एलजी सरकार ने सुना। एलजी सरकार ने भी नहीं, 4 बार तो मैं इन एलजी साहब को भी मिली, और उसके बावजूद जो भी अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है, होम सेक्रेटरी सर है, जहाँ भी जो भी इस वक्त सरकार चला रहे हैं, हमारे लिए तो वही सरकार है, लेकिन सेंटर में अब मसला चला गया, झूठी हो गया। अब सभी सेक्रेटरी वाले बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना। अब ये देखो ये बोलते हैं कि कैबिनेट में करें, अगर अब कोड ऑफ कंडक्ट का रश्मि जी कोई चक्कर ही नहीं था, जब ट्रांसफरें हो रही है, इलेक्शन कमीशन इनको परमिशन दे रहा है, तो अगर होम तो वैसे ही इनके पास चला गया सेंटर में, तो सेंटर से तो ये कर सकते हैं ना, उसमें कौन सी दिक्कत है। जब इन्होंने अब सेंटर का जो मीटिंगें की है उसमें होमगार्ड का मसला रखा, सब कुछ किया, मैं अभी MOSO होम बांडी संजय सच को भी मिलने, मैं बोलती हूँ उनको मैं सल्यूट करती हूँ, रश्मि जी 3 दिन गया, 3 दिन ही वो मिलते रहे हमें, और उन्होंने कार्रवाई की हमारे सभी जगह, मैं लेटर भी दिखाती हूँ, उन्होंने मुझे भी कॉपी भेजी, होम सेक्रेटरी को भी भेजी, DG साहब को भी, सभी को, एक उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ना कि सेंटर MHA ने मुझे कॉल आई MHA से
कि मैम आपका क्या इशू है, इसके ऊपर क्यों इतनी देर लगी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एमएचए से। मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी देती हूँ, सब कुछ किया, जो हमारे लोग डिसंगेज किए गए थे निकाले गए, उनको उनका ऑर्डर भी हुआ गया कोर्ट से। रश्मि जी जब आप बोलते कि कोर्ट ने जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर वो किया जो हमारे भाई बिना नोटिस के बिना उनको, उसके बाद होम ने भी ऑर्डर किया लेकिन डिपार्टमेंट ने उनका ऑर्डर नहीं किया। एक बात दूसरी है, जब उसका स्टेटस को चल रहा है आप उसको कोर्ट के अग्नेस्ट होके भी आप उनको निकाल रहे हो, जब उनको कोर्ट भी वापस कर रहा तो फिर कोर्ट की भी आप तोहिन कर रहे हो, तो हमें कौन सी कोर्ट में जाना रह गया। हम एमएचएस में जा रहे हैं, सभी जगह पे मीटिंग हो गई है, एक बन गया कि इनको कांस्टेबल का दर्जा देना है, कांस्टेबल का दर्जा देना है, तो फिर सेंटर इसका ऑर्डर खुद सेंटर से क्यों नहीं निकाल रही है। अब तो पावर तो सेंटर के हाथ है ना, हमारी जितनी बेल्ट फोर्स है सेंटर के हाथ है। हमारे अगर माननीय गृह मंत्री जी एक बार इतना सा भी साइन करे, आप बोलते काले कानून हमने अंग्रेजों के इनके सारे खत्म हो गए, खत्म हो गए, लेकिन हमारे ऊपर 1946 से अभी तक काले कानून चल रहे हैं। अगर आप पूरे इंडिया में 8 लाख 6 लाख 7 लाख, चलो 8 लाख नहीं होगी, 6 लाख तो कुछ तो है ना, 7.5 लाख के करीब होम गार्ड है, आप उसको एक ही एक्ट चेंज करो ना कि उनको हम बोलते हैं कि चाहे राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का। पूरे इंडिया के लोग लड़ रहे हैं, पूरे इंडिया का डेलीगेशन, नेशनल होम गार्ड का डेलीगेशन होम मिनिस्टर को मिला है, और भी जितने भी हमारे, देखो हमारे अपने संसद जो गए हुए थे ना इधर से, रश्मि जी उन्होंने हमारे फोन तक नहीं उठाए, बिल्कुल हमें फोन, तभी तो हमने फिर कल नथुब के बाहर आके बताया था भाई आप ना मंत्री जो यहाँ की लीडरशिप है वो बोल नहीं पाती, उन्हें बोलने दिया नहीं जाता, और अगर पत्रकार हैं अगर जम्मू के लोकल तो उन्हें सवाल पूछने नहीं दिया जाता, तो फिर पूछेगा कौन आपकी बात। तो देखो उधर के जितने भी हमारे हर स्टेट से नुमाइंदे आए हुए थे, अध्यक्ष, जैसे मैं अपनी स्टेट से गई थी, हमारे सारे स्टेटों के कम से कम 20-25 स्टेटों के लोग पहुंचे हुए थे, सभी के एमपी खुद रोज हम जब पार्लियामेंट से 8 बजे 9 बजे सेशन खत्म होता था, उन्होंने आते ही अपने चाय पानी भी नहीं लेना, फटाफट आते सभी कर्नाटका के जितने एमपी थे हम मिले, मध्य प्रदेश के थे, यूपी के थे, राजस्थान के 4-5 एमपी थे उनसे मिले, मैं बोलती कि उधर के जो नगीना के अपने एमपी से भी नहीं मिले थे, हमारे एमपीओ ने फोन ही नहीं हमारा पिक किया कि हम इनको टाइम दें। हमने बाकायदा इनका वेलकम करने के लिए रश्मि जी बुके शुके लिए थे, सारे बोलते अब जे एंड के एमपीओ को मिलेंगे, तो मैंने जब इधर पीए को फोन किया तो बोलते मैम क्या बात है, मैं ऐसे ऐसे, चलो आप उनके घर ऐसे ही चले जाओ, मैंने बोला वो कहीं होंगे तो हम घर जाएंगे क्या, हमारे पास इतना किराया नहीं है कि हम ऑटो में किराया कर करके तो एक एक, लेकिन फर्ज है ना फोन करके उठाना कि इन लोगों ने आपको बोर्ड दिए है, बोर्ड दिया आप एक इसका, तो फिर अगर आप लोगों ने फोन ही नहीं उठाने इनके, गात नहीं करना, सिर्फ बोल देना एक मैं अरविंदर रैना को सल्यूट करती कि बेचारे हर जगह पे मुद्दा उठाते, बात तो करते हैं लेकिन उनके हाथ भी नहीं है उनके, लेकिन दिल्ली वाले उनकी सुनते भी नहीं है, मुझे लगता बोलने ही नहीं देते बेचारे को, वो उठाते हैं। आपने देखा कल, आपने देखा मंच पर भी आए तो बेचारे वो थे नहीं, तो अरविंद राणा जो सबकी बात को सुनते हुए करने भी है, करते पर अगर उनके हाथ में अगर लगता है कलम आ जाए तो शत वो कर भी दे, कर भी दे, पर ये लोग करने नहीं देंगे, वो खुद हमारे कमान दिल्ली के हाथ में, जब उमर अब्दुल्ला जी की सरकार थी फारूक अब्दुल्ला, अरविंद राणा जी खुद हमारे साथ धरने में बैठते थे, हमारे साथ रैलियां करते थे, आज वो बोलते फक्कड़ है हम, तो मैं बोलती ऐसे फक्कड़ कभी हमें भी बना दो ना, हमने भी वो तो कहती है जब ना विपक्ष में होते हैं सपोज तो तब ये इन लोगों को बड़ी ताकत आ जाती है, जान जनता जाएगी, इन्हें खुशी से जाते हैं उनके प्रदर्शनों में बैठते, जो ही सत्ता पक्ष में उनकी पार्टी आती नेता सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, फिर नहीं आते आप लोगों के सामने, ना इस बैठेंगे आपके साथ धरने में, ना ही आपकी आवाज़ को उठाएं। और पार्लियामेंट के अंदर मैं बोलती हूँ जो इनका SCK वो है चंद्रशेखर, उन्होंने रश्मि जी जी नहीं बोलना कि जे है जहाँ कुछ है, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ऐसे करके बोलते हम, हमारी बहन भी है माताएं भी हैं, और उन्होंने हमारा मसला जो पार्लियामेंट के उठाया, तो क्या हमने उनको वोट देना था जहाँ उनके पास जाना था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा एक महिला होके एक पूरे हिंदुस्तान के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, हमारा काम है जे बात हम, और उन्होंने हर एक को ट्वीट करके भी और टैग करके भी हमारा मुद्दा उठाया गया, और संजय भांडी सर जो एक तेलंगाना से हैदराबाद से, लेकिन उन्होंने कोई ने, मैं बोलती हूँ उनको भी मैं सल्यूट करती, इतने प्यार से अपने घर में बुलाया, 3 बार हम मिले, 3 बार ही उन्होंने, और उसके ऊपर एक्शन लिया, दिल्ली के हमारे होमगार्ड भाई थे, देखो उधर भी LG सरकार है, उधर भी बदतर हालात कर दिए हैं,
देखो उनको जब केजरीवाल के तो उनको कंटिन्यू 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी मिल रही है और 27,000-28,000 सैलरी भी मिल रही है उनको। भी इन्होंने बोला 31 जुलाई को आपको बाहर निकाल देंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे 2,500 भाइयों को बाहर, आप बोलते ना इम्प्लीमेंट करना, रश्मि जी जे काम किया कि हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जे इस सरकार में हुआ। कल का मैनिफेस्टो तो आया बड़ा अच्छा सा आया, खूबसूरत सा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, बड़ा सजा के बड़ा प्यारा सा आया। उम्मीद करते हैं भगवान कई मेहर करे के जो कह के गए अमित शाह जी मैनिफेस्टो में जितने भी पन्नों का है ये बताते हैं आपको। पन्ने जो हैं बड़े खूबसूरत से पन्ने हैं और बड़े बड़े बोर्ड में लगाया हुआ था, हम भी खुश हुए देख के। तो चलिए ये हमारे जम्मू कश्मीर में इतना कुछ होने जा रहा है तो उस मैनिफेस्टो में जो जनता चाहती है वो चीज़ क्यों नहीं है। अब देखिए हम तो ढूंढ रहे थे रविंद्र राणा जी का, एक सुबह आपने देखा था, आपने बोला था हाँ। वो कह रहे थे डेली वेजर्स के लिए। हाँ मैंने आपसे बोला ना, मैं रश्मि जी आप बोल रहे हो कि आपका मसला रखा, हमारे रविंद्र राणा जी बोलते हैं होमगार्ड का डेली वेजर का सभी का रखा हुआ है, लेकिन जो बोलते हैं नंबर 23 पे 24 पे रखा हुआ, मैंने तो देखा नहीं 23 24 पे, चलो अगर रखा भी है हमें भी खुशी है। लेकिन मैं वही बात करना चाहती हूँ कि अब जो भी बोर्ड करेगा ना वो पहले अपना भविष्य देखेगा कि एक तो रश्मि जी आप देखिए ओपन मैरिट्स के लिए क्या रखा, जनरल नहीं वही मैं ओपन मैरिट्स वालों को क्या दिया, क्या दिया ओपन मैरिट्स वाले, इनको बोर्ड नहीं देते हैं, वो बेचारे हर जगह पे मर रहे हैं ओपन मैरिट्स वाले। तो हम भी सोच समझ के देखेंगे ना ओपन मैरिट्स के लिए आपने क्या रखा, वो हर जगह पे मर रहे हैं पीस रहे हैं, लोन ले लेके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको तो कहीं कोई नाम ही नहीं ना ओपन मैरिट्स का, वो तो कहीं नाम ही नहीं है, तो क्या वो बोर्ड नहीं देते हैं, वो उनके लिए कोई रखी रिजर्वेशन, कोई उनके लिए रखा कुछ गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं रखा उनके लिए, आज भी किसी ने नहीं बोला। इतने लोग आ रहे हैं, किसी ने युवा के लिए बोला, हम बोल रहे हैं हम 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम जे फ्री देंगे, हमें फ्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बोलते हैं हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हम पैसे दे के चीज खरीदेंगे, हम देश पे बर्डन बनने वाले नहीं है, हम देश का काम करने वाले हैं, हम देश का अपने देश का भविष्य हमारा युवा, हम देश के नागरिक है, हिंदुस्तान को हमने आगे बढ़ाना, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारा बढ़ेगा इंडिया आगे, तो हम सभी वही है हमारा, हमारी शान है एक इंडिया, हमारा तिरंगा हमने उठाया हुआ, हम उसकी आन बान और शान पे कभी आएंगे, हम मुफ्त की खाने वाले नहीं है ना हम खाएंगे मुफ्त की। हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, आज एक आप 2700 रुपए को देने वाले को 5,000 का मीटर का बिल भेजते हो, क्या किसी ने मीटर के बारे में बोला, हमने बोला तो बोलते हो, मुझे बताया, आप सुनिए ना, मैं तो हमने साफ तौर पर कहा कमला जी कि जनता से, जनता के बारे में आज के बाद बात करना ही नहीं जनाब, हम डेली वेजर्स की बात करेंगे, हम करेंगे बात होमगार्ड की, क्योंकि जनता खुश है। आज हमने वहीं पर महिलाएं बैठी हुई उनसे सवाल किया कि जो मीटर है जहां पर 500 का आ रहा था 50,000 का 5,000 का 10,000 का बिल उनको थमा दिया, तो वो महिला कह रही थी नहीं जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो कर रहे हैं अच्छा करेंगे हम खुश है। मोदी जी ने थोड़ी कहा स्मार्ट मीटर लगाओ, वही है ना जी किसके लगा, पर यहाँ की जो लीडरशिप है उन्हें देखना होगा ना कि जनता पर, जब महिलाएं खुश है, महिलाओं ने वहां पे मेरा ऑन रिकॉर्ड है कहती जी नहीं नहीं ठीक है बिल जो बिजली खर्च करेंगे देंगे, जो माँ एक बुजुर्ग विधवा है जिसके घर में एक बल्ब और पंखा है उसका 50,000-55,000 बिल। अभी 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 आपने 2 लड़कियों का इंटरव्यू देखा, राहुल जी कर रहे थे अभी, 55,000 रुपया बिल आया, वो बोलते हैं हमें घर से बाहर निकल जाते हैं रोड पे आ जाते हैं, ऐसी ऐसी जिसकी 10,000 महीने की इनकम नहीं होगी आप उसको 50,000 का 25,000 का 20,000 का 5,000 का बिल भेज रहे हो, वो कहां से इतना स्मार्ट बन गया है कि इतने स्मार्ट मीटर बल्ब 100 से 5 बार पे आ गया, 100 बार का बल्ब 5 बार पे आ गया, लेकिन जो बिल था 500 से 5,000 आ गया, इतना स्मार्ट हो गया। अभी तो जो महिलाएं बोल रही है अभी पानी के मीटर भी आने दो अभी सरकार तो आने दो। अमित शाह जी जो आज कह रहे थे मन से साझा कर रहे थे कि कांग्रेस एनसी ने इन तीन परिवारों ने पीडीपी ने तीन फैमिलियों ने अरबों खरबों लूटा है तो कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो आज वो कह रहे थे कि कांग्रेस एनसी को नहीं बल्कि भाजपा को जिताइए वोट, आप देंगे आपको भाजपा ही कोई मजबूत कराना है। और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात के उन्होंने कहा कि जो हमारा राज्य का दर्जा है, क्योंकि जनता आज कह रही थी कि इन्होंने ही कहा था कि अच्छे दिन आएंगे यूटी बनने के बाद, पर जनता आज चाहती है हमें वही वापस हमारा महाराज जी की रियासत मिल जाए, पर उन्होंने कहा अच्छी उचित समय होगा। क्या लगता है आपको जो यूटी में ज़्यादा फायदा हुआ था या फिर हमें नुकसान हुआ या स्टेट में? देखो रश्मि जी हमें अपना
कोई पॉलिटिशियन से कुछ लेना लेना नहीं है, पॉलिटिकल लोगों से, वो उनका एक पार्टियों का साथ है, वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना है। हमें अपने घर का देखना है कि एक लोगों की प्रमोशन होती है, हमारी डिमोशन हुई है, ड्यूटी से हमें क्या मिला, फिर ड्यूटी मैं और किसी पर नहीं जाऊँगी। होम गार्ड की ड्यूटी के अंदर चंडीगढ़ है 46,000 सैलरी है, बिल्कुल 28 दिल्ली के अंदर है, तो ड्यूटी का दर्जा आपने दिया तो फिर सैलरी क्यों नहीं दी ड्यूटी की, वो देना चाहिए ड्यूटी का डेली वेजर को, किसी को, किसी भी एसपीओ है, होम गार्ड है, डेली वेजर है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, पीडीडी है, एनएचएम है, सारे है मुलाजम, आपने किसी एक भी मुलाजम को जहां पे इनको अपना बेनिफिट था वहां पे ड्यूटी का सारा लागू हो गया। क्यों कमला जी, जब हम डेली वेजर का सवाल करते हैं इन भाजपा के नेता भागते क्यों हैं? अगर हम होम गार्ड का सवाल करते हैं या तो इनके पास जवाब नहीं है या ये नजरें नहीं मिला सकते। जब हम ये सवाल करते हैं, हाँ जी आज भी हमने आरपी सिंह जी हैं जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, दिल्ली से जम्मू में आए हुए हैं, उनसे हमने सवाल किया वहां पर जो संबोधित कर रहे थे सभा को, तो हमने कहा सर मैनोफेस्टो तो ठीक है, चलिए हम नहीं कहते आपने सोच समझ कर किया होगा, पर उसमें निराशा डेली वेजर्स का, वो कहते हैं मैनोफेस्टो में ये चीजें थोड़ी वो हो जाएगा, वही है ना, तो फिर बाद में यही बोलते हैं ना, वो सब जुमले होते हैं, तो लोगों को जागना चाहिए, लोग अब अवेयर हो रहे हैं, सभी है, हमारा युवा के बारे में किसी ने रखा किसी मैनोफेस्टो में हम युवाओं के इतने नौकरियां देंगे, लिखा उन्होंने कि नौकरियां आएंगी, पता नहीं कहां आएंगी, तो वो तो एक बार फार्म भरते है ना 500, 1000, 1500, 2500, 3500 फीस है, बाद में वो कैंसिल हो जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ से रेवेन्यू, वो बच्चा कैसे करके कैसे वो फॉर्म भरता है, कैसे वो लेगा उम्मीद के साथ, पैसे भी ओवरेज हो रहे हैं, जैसे आपने बोला पुलिस वालों के जो बेचारे सब इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल थे, कितनी भर्तियां हुई है उसकी, फायर सर्विस वाले सभी रो ही रहे हैं ना, किसी को रोजगार मिला, आप बोलते हैं हर घर में रोजगार मिलेगा, हर घर में रोजगार मिलेगा, किसको मिलेगा, ओपन मैरिट्स भी तो खत्म हो गया है उनके लिए, तो किसी ने बात नहीं की, एक भी नेता बताए मुझे, मैं तो बोलते इंडिपेंडेंट लोगों को वोट देने चाहिए, सही बात पूछो तो, इंडिपेंडेंट लोग ही आगे आए तो मजबूत हो तो उनको वोट देने चाहिए, ऐसी पार्टियां, सभी पार्टियां ऐसे ही करती है, किसी ने के सभी जूस एंड थ्रो वाला काम करते हैं, जब होता है कि किसी आप एक महिला को, महिलाओं की बात नहीं कर सकते हो आप महिलाओं के लिए, अभी तो इन्होंने बोला था 33% 50%, मुझे बताए कितनी महिलाओं का 33% 50% सवाल वही पूछा था, हाँ महिलाएं महिलाएं मम्मा बन गए चुप पे, नहीं आपकी महिलाएं तो पार्टियों की चुप करके बैठी तो हमें नहीं नहीं वही है ना बैठे तो ग्रोंड बोला नाराज हो जाएंगे पार्टी। अभी मैंने एक बार रश्मि जी हमने ऐसे ही अपना एक पर्सनल मसला नहीं था कि जो पार्टियां बाधा करती है, तो मैंने मैसेज दिया था कि जो सभी झूठ बोलते हैं, हमें बीजेपी का ही एक बड़ा नेता जो कल रो रहा था, मैं इसके सामने नाम नहीं, उसने मुझे आज भी उसका कमेंट पड़ा हुआ है, बोलता था जो लालची लोग हैं, जो कांग्रेस के एजेंट है, आज वो मुझे बताया वो कौन सी पार्टी का एजेंट था जो बीजेपी छोड़ के आए रो रहा है कि हमें कुछ नहीं दिया, आज एक महिला मैं उससे पूछती, उसने एक महिला पे एलिगेशन लगाया, आज वो बताया वो कौन सी पार्टी, खुद भी तो रो रहे हैं, खुद रो रहा है किस पार्टी का एजेंट है, उसने बोला जी इन्होंने तभी स्टेटस डाला है कि जो कांग्रेस के एजेंट है, आज वो खुद एलिगेशन लगाया, मैं फिर भी उसका मान सम्मान करती हूँ कि आप एक बुजुर्ग हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी बार जब मैंने वीडियो देखी मुझे वो एक मिनट में याद आ गया, किसी के साथ आपने किया हो तो भुगतना पड़ता है, वो भुगतना पड़ता है। आज जम्मू के अंदर घर घर में चिट्टा, घर घर में नशा, घर में मंदिरों के शहर में हर जगह पे शराब की दुकानें, शराबों का हाँ बंदा कोई चैन डाल के जा रहा है एक मिनट में कट, कोई महिला जा रही है कुछ और अबलत का कुछ, इस पे किसी ने कोई मुद्दा रखा, लगाम लगाई किसी ने इसके ऊपर महिलाओं को, जो उस मां 33% की बात करते वो नाम का नहीं, उनके ऊपर हमारी एक हस्ती खेलती स्टेट थी जम्मू के अंदर, हम कितना रात को 12 बजे 1 बजे आप शादी में किलो सोना डाल के जाओ, कोई किसी का डर ही नहीं था कैसे आओ जाओ बाजार में, आज आप एक चैन छोड़ के एक अंगूठी डाल के नहीं जा सकते हो, जो हालात बने हुए हैं ना, जो हम बोलना नहीं चाहते लेकिन एक माँ को पता होता है जिसके ऊपर बीत दिया, कल सतवारी के मैंने एक बूढ़ी माँ का हालत देखा जो अंदर से पत्थर मार रहे हैं, देखो नशे ने क्या क्या कर दिया, आप कभी उस माँ को पूछते हो, उसके माँ एक बहन को पूछते हो, एक पत्नी को पूछते हो कि आपके ऊपर क्या हो रहा, आपके पास तो नोट है बड़े बड़े नोटों नोटों की बोरियां है। इस बार होमगार्ड ने फैसला कर लिया है वोट की चोट देगी इस बार,
वो तो सभी अमेरिका कहीं ना कहीं लोगों को देखिए कमला जी, भाजपा भाजपा के ऊपर जनता ने विश्वास किया तो पर भाजपा ने डबल विश्वास कर लिया। उन्हें पता है कुछ भी हो वोट तो भाजपा को ही आ जाएगा आम जनता का, इसीलिए उन्हें पता है कि देश के प्रधानमंत्री, अब जम्मू कश्मीर में तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे ना बार बार हमारी परेशानियों को समझने के लिए, पर उसी के उन्हीं के नाम पर जनता को बार बार वर्गलाया जाता है, जनता को बार बार बेवकूफ बनाया जाता है। अब जनता से क्या कहेंगे, वही है ना मैंने बोला ये मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी के साथ सारे हैं, देश खड़ा है मोदी जी के साथ, मोदी जी को सभी तैयार, लेकिन जो इधर के वो क्यों नहीं बोलते जब दिल्ली में जाते हैं, जब झूठी बना दिया, झूठी का दर्जा दिया आपने तो झूठी की सैलरी दो और लोग कुछ नहीं आपसे मान गए, कोई आपसे नहीं, आप तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हो कि मेरे घर में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, जिनको आपने टिकटें दिए बड़े अच्छे कैंडिडेट भी दिए, ऐसी बात नहीं है नहीं दिए हैं, लेकिन लड़ रहे हैं सभी कुर्सी के लिए, कोई किसी कैंडिडेट ने मैनिफेस्टो में रखा कि हम युवा के लिए जे करेंगे, हमारी सरकार जे आएगी, वो तो नालियां गलियां, वो आप मोहल्ले का वार्ड का मेंबर होगा वो भी करवा सकता है। अगर मैं बोलती हूँ हमारे एमपी मदन लाल शर्मा थे, हम दिल्ली के अंदर जाते थे ना रश्मि जी, बात नहीं है कि हमने लोगों का देखा नहीं जा कुछ नहीं, जब हम जाते हमारा इधर से डेलीगेशन हम कॉल करते थे बाईगढ़, वो अपने घर की चाबियां तक ना हम लोगों को दे जाते थे कि मेरे लोग गरीब लोग हैं होमगार्ड वाले, कि इनको कहीं बाहर नहीं रहना पड़े किराए पर, वो पूरा घर हो रहा उनके जो नौकर होते थे कुक होते थे उनको बोलते थे इनको खाना खिलाना सारा कुछ, लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते थे, बात करवाते थे, पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात होती थी, तब ये था कि तब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं था, तब स्टेट के कुछ कि किसकी सरकार थी, कभी एनसी की कमी, फिर भी मैडम सोनिया गांधी का आर्डर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जब हम 250 बंदा गया था 250 जवानों का उसने आर्डर करके दिया उमर अब्दुल्ला को, लेकिन मैं फर्स्ट लेडीज थी जिसने उस आर्डर को ठुकराया, होगा तो पूरे 4,000-4,500 लोगों का होगा, नहीं तो नहीं, और फारूक अब्दुल्ला ने मेरा आर्डर किया था, मेरे साथ 17 लोगों का आर्डर किया था कि आप इस यूनियन को छोड़ दो, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा, आज मेरे साथ अगर पूरा इंडिया खड़ा है तो इसीलिए। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी ने मेरा आर्डर किया हुआ, पवन कोतवाल जी डिब काम थे, मेरे लोगों का 20-20 लोगों का आर्डर किया, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा आज तक। अगर मैं किराए के एक कमरे पे ईमानदारी से रहती हूं, मेरे घर में इन्होंने, मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, मेरे घर में पुलिस वाले भेजे जे मेरे साथ सम्मान कर रहे हैं कि हमने इनके खिलाफ बोला था, 5-5-6-6 महीने की सैलरी बांध रही है। अच्छा, हाँ भेजे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तोहफा मिला ना, तोहफा मिला, यही है कि मैं मोदी जी की जनता को समझना, यही मैं मोदी जी की फैन थी, अमित शाह जी की फैन थी, लेकिन इनके लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तब भी, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं, हमने आज तक नहीं अपने बच्चों के लिए मांगा, नहीं अपने लिए मांगा, मांगा तो अपने जवानों के लिए मांगा, पूरे इंडिया के लिए मांगा, पूरे इंडिया का जो कानून है उसको चेंज किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। मैं माननीय गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी से यही अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, सर आपने बहुत से काले कानून अंग्रेजों के खत्म कर रहे हो, आप रोज बोलते हो कि काले कानून, आप पूरे नेशनल होम गार्ड है पूरे इंडिया में जो 6-8 लाख के बीच है, आप उनके काले कानून को कब खत्म करेंगे, 1946-1962 के 1963 के इन कानूनों को खत्म किया जाए और हमें राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कानून जब भी चेंज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, आप तो 240 है, 240 लोग हैं, बहुत बड़ी पावर है आपके पास, आपको तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप इस एक्ट को चेंज करो, 8 लाख परिवारों के साथ उनका परिवार लगाओ, 4 मेंबर एक घर के भी लगाओ, उनके रिलेटिव भी लगाओ, जो करोड़ों के हिसाब से आपके साथ स्ट्रेंथ है, तो मैं यही अपील करूंगी, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद कमला जी ने आज अपने दिल की भड़ास निकाली भाई, साफ तौर पर उन्होंने कहा ये लड़ाई कुर्सी की है, और कुर्सी किस लिए कि अपना भला करने के लिए, कोई युवाओं के लिए नहीं लड़ रहा, कोई डेली वेजर्स के नहीं लड़ रहा, कोई होमगार्ड्स की बात नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि हम नशा मुक्त करेंगे, अब खुद बताइए फिर ये जनता को सोचना, कोई ये नहीं कहता कि स्मार्ट मीटर आते ही हम खत्म करेंगे, कहे गए सही, पर ये जनता को सोचना है कि किस तरह के हालात है हमारी एक प्यारी सी खूबसूरत सी रियासत का, क्या हाल कर दिया, दिन ब दिन चिट्टा जो है घर कर चुका, हर तीसरे घर में चिट्टे से हमारे युवाओं की जान चाह रही है, चिट्टे की लत से माँ बाप परेशान है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चोरी चकारी हो रही है, महिलाओं के साथ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, पर लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से आम जनता के साथ वादों का दौर फिर से जारी है, पहले के वादे अब के दावे, अब देखना है कौन किस पर भारी है।
ये जनता को समझना होगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं जनता के हक की बात करते हैं, अगर जनता ही नहीं चाहती तो हमें जनाब क्या पड़ी है बुरे बनने की। अगर आप खुश है कि स्मार्ट मीटर है तो हम नहीं बात करेंगे आज के बाद, सीधी सी बात है। अगर आपने पार्टियों की चाकरी करना है फिर हमें क्या पड़ी आपकी बात करने की, आप जाइए अपने अपने नेताओं से बात करिए, हम वही बात करेंगे आप जो जनता हमसे हम तक पहुंचेगी, जो भी चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो होम गार्ड है, चाहे अन्य है, चाहे आम जनता जो स्मार्ट मीटर के जब हम सामने जाते हैं तो रोते हैं, मैम बुरा हालत है क्या करें हमारे बिल इतने इतने बड़े आ रहे हैं। तो जब पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तब तो आपके मुंह में दही जम जाता है, तब तो आप खुशी जाहिर करते हो, तो फिर हमसे क्या शिकायत करते हो। हम थोड़ी सत्ता में बैठे हुए हैं, हम किसी पार्टी से थोड़ी ना है, यह हमने करना, हम एक माध्यम है जो आपकी बात को पहुंचाते हैं। पर अपनी जनता से भी कहेंगे जनाब ये दोहरी राजनीति छोड़ दीजिए, ये दोहरा मापदंड छोड़ दीजिए, ये दोहरे जो आप बयान देते हैं ना ये छोड़ दीजिए, ये आप पर निर्भर है, सरकारें आप बनाते हैं हम नहीं बनाते हैं, हमारा काम है आपकी बात को आगे रखना। ये आप अगर चाहते हैं हालातों से निजात आना तो ये जनता ने देखना है कि वाकई आप बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये आपके हाथ में। फिलहाल आज फिर से यानी कि होमगार्ड ने अपना दुखड़ा रोया है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने इनका वादा किया था, पत्थर की लकीर है, कहते ना पत्थर की लकीर है, बड़े बुजुर्गों ने कहा था। तो प्रधानमंत्री जी से भी हम आज बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हम आपसे ही सवाल करते हैं क्या कर सकते हैं, इसी से माध्यम से करेंगे, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जी आए थे उनके साथ पूरा तामझाम आया था, उनके जो आगे पीछे थे उन्होंने तो हमें मौका दिया नहीं कि हम उनसे कम से कम सवाल करते, शायद वो डर गए थे हमारे सवालों से, हमने तो एक ही सवाल करने थे जो हमारे दो चार सवाल थे। सबसे बड़ी बात कि स्टेटहुड का कब देंगे, आप कहते हैं दे दिया और दीजिए ना, इंतजार ना करवाइए। उसके बाद डेली वेजर और होम गार्ड अन्य का मुद्दा पूछना था, हमने अपने घर के किसी बच्चे के लिए भाई बहन के लिए नौकरी का तो पूछना नहीं था, शायद इसी वजह से डर था। और जो नेतागण बैठे थे वहां पर उन्होंने भी नहीं कहा कि एक मौका तो दीजिए। तो चलिए, अभी शाह जी ने तो कुछ पत्रकारों का नाम बोल बोल के बोला है जो वहां से दिल्ली से आए थे कि इनको मौका दीजिए, क्योंकि हमारी आवाज़ तो आप बंद नहीं कर सकते ना, हमें लालच है भाई, हम जनता की आवाज़ रखते हैं रखते आएंगे, पर वो भी अगर जनता हम तक अब अप्रोच करेगी हम खाम खा के पंगों में नहीं पड़ेंगे भाई। जब आप लोग खुश हैं स्मार्ट मीटर के साथ तो हमें क्या पड़ी है, हम तो अपना बिल दे रहे हैं जितना भी आ रहा है, तो अगर आप खुश हैं उससे ठीक है, बेरोजगार यूँ है। जब आप पार्टियों में जाते हैं हिमायती बन के तब तो आपका मुँह खुलता नहीं है, ऐसे चोरी चोरी कहते रहेंगे हमें ये परेशानी है हमें वो परेशानी है। अरे जागो जम्मू वालों जागो, कितना और रगड़ा खाओगे आप, हर तरह से आपका नुकसान हुआ है और हो भी रहा है, आगे भी होगा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।